अगर मियां बीवी में नाइतफाकी हो, झगड़े हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो और नौबत यहाँ तक पहुँच रही हो कि दोनों के दरमियान जुदाई पैदा होने वाली हो, मायूस ना हो, मैं एक ऐसी दुआ बतलाने जा रहा हूँ। अगर इस दुआ को पढ़कर पानी पर दम करें, ये दुआ ये बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के इस नाम को आपको पढ़ना है, शुरू और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर पानी पर दम करके अगर बीवी से शोहर मोहब्बत नहीं करता है, शोहर को पिलाया जाएगा तो शोहर बीवी से मोहब्बत करने लगेगा, नाइतफाकी रंजिशें ये सब दूर हो जाएंगी। अगर बीवी शोहर से मोहब्बत नहीं करती है या इन दोनों का कहीं दूसरी जगह रिलेशन है तो वहां से रिलेशन से जहां रिलेशन है वहां से ताल्लुक खत्म हो जाएगा और जो असल है यानी शोहर से मोहब्बत हो जाएगी या शोहर को बीवी से मोहब्बत हो जाएगी, दोनों में जिसको भी पानी पिलाया जाएगा वही दूसरे का महबूब हो जाएगा, दूसरे से मोहब्बत करने लगेगा। बीवी अगर शोहर से मोहब्बत नहीं करती, बीवी को पिलाया जाए तो बीवी शोहर से मोहब्बत करेगी, रंजिशें दूर होंगी, नफरतें दूर होंगी, नाइतफाकें दूर होंगी। और अगर शोहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता है, शोहर को पिलाया जाए तो शोहर बीवी से मोहब्बत करेगा, रंजिशें दूर होंगी, नफरतें दूर होंगी। शुरू और आखिर दरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ना है, बीच में अल्लाहु 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 इस इस्म को 786 मरतबा पढ़ना है, पढ़कर यानी शुरू में 11 बार दरूद शरीफ, फिर 786 मरतबा अल्लाहु 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 786 मरतबा अल्लाहु पढ़ना, फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़कर पानी पर दम करके जिस जो मोहब्बत नहीं करता है या तो बीवी मोहब्बत नहीं कर रही, बीवी को पिलाया जाए, शोहर मोहब्बत नहीं कर रहा, शोहर को पिलाया जाए, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत हो जाएगी, बहुत प्यार और उल्फत हो जाएगा और रंजिशें नफरत दूर हो जाएंगे। एक मरतबा आप जरूर इसको आजमाएं।